फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिग्या की रसोई। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा। तो मैंने ब्रेड सैंडविच बनाया था, तो मैंने आलू का मसाला ज़्यादा बनाया था, तो ये हमारे पास आलू का मसाला रखा हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं उसे डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे हमने आटे की लोई तोड़ कर रखी हुई है, तो अब हम इससे आलू का पराठा बनाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो हम इसे दो तरह से बना सकते हैं। एक तो हम इसे रोल कर लेंगे, पहले बेल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम स्टफ करके इसे हल्के हाथों से प्रेस करके धीरे से बेलते हुए बनाएंगे। इसे ज़्यादा प्रेस नहीं करना है फ्रेंड्स, धीरे धीरे इसे गोल गोल घुमाते हुए इसका हम पराठा बना लेंगे। तो इस तरह से ये फटकर बाहर नहीं आएगी। तो ये देखिए हमारा पराठा बन चुका है, इससे आलू बिल्कुल भी बाहर नहीं आया है। तो इसे हम अब सेक लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तवे को गरम करने के लिए रख दिया है। जैसे ही तवा गरम होगा हम इसमें अपने पराठों को रख देंगे। तो यहाँ पे हम दो पराठा, दो रोटियों को एक साथ बेलेंगे और इसके बीच में हम स्टफ़ करेंगे। तो इस तरह से हम दो रोटियों को, लोइयों को एक साथ रखकर एक साथ बेल रहे हैं। तो इस तरह से दोनों लोइयाँ बेलती जाएंगी। इस तरह से हम दो रोटियाँ एक साथ बेल सकते हैं, ये देखिए। तो इसे हम इस तरह से फैलाते हुए बेल लेते हैं। तो हमारी दो दो रोटियाँ एक साथ बन रही है। यहाँ पे देखिए दो रोटियाँ हमने एक साथ बेली। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाले पार्ट में आलू को स्टफ करेंगे। और इस तरह से हम ऊपर वाले रोटी को रख देंगे और इसे बेल लेंगे। तो पहले हम पैथन में इसको डाल देते हैं। और इसे भी हम बेल लेते हैं। तो ये दो रोटियों से बहुत बड़ा बनेगा फ्रेंड्स। तो आप चाहे तो छोटी लोइयां भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये भी पराठा बनकर तैयार हो चुका है। तो ये भी बहुत ही आसान है, एक साथ दो रोटियां बेलिए और बनाइएगा। तो यहाँ पे हमारा तवा भी गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे हम अपने पराठे को डाल देते हैं और इसे सेक लेते हैं। तो इसे हम अभी तेज आंच में रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये सीक चुका है, तो इसे हमने पलट पलट कर सेक लिया था। अब हम इसमें ऑयल डालकर इसे सेक लेते हैं। तो आप चाहें तो इसमें बटर भी लगा सकते हैं, बटर, घी, या फिर आप अपने ऑयल को ही यूज कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल। तो ये हमारा पराठा सीख कर तैयार हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लेट में इसे निकाल लिया। तो ये हमारा पराठा सीख चुका है, आलू के पराठे। अब यहीं पे हम दूसरा पराठा जो हमने दो रोटियों से बनाया था उसे ऐड कर देते हैं और इसे भी सेक लेते हैं। एलो एक ले जाओ। तो देखिए हमने एक तरफ से इसे सेक लिया है, अब दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो ये इस तरह से भी सीख चुका है, तो यहाँ पे हम ऑयल ऐड कर देंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा ही ऑयल नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा ही डाल रही हूँ। तो इसे हम फैला देते हैं।
अब इसे पलटकर हम दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। तो इस तरफ से भी हम अच्छे से इसे ऑयल को फैला लेंगे। उसके बाद इधर भी सेक लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से सिक चुका है ये। तो किनारों को भी दबाते हुए अच्छे से हमें सेक लेना है। तो ये हमारे कुरकुरे पराठे सीख कर तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे सीखे हैं। तो इसे भी हम निकाल देते हैं अब। तो यहाँ पे हमने अचार और पराठे सर्व किए हैं। तो आप चाहे तो इसे सॉस या टमाटर की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ऐसे भी ये बहुत अच्छा लगता है पराठे अचार के साथ। तो ये हमने घर में बनाया है आम का अचार। ये रहा हमारा आम का अचार और ये रहा हमारा पराठा। तो इसे एंजॉय कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए। और आपको लच्छे पराठे की रेसिपी कैसे लगी वो भी बताइएगा। बाय बाय।